आपसे जानना चाहूंगा कि टॉपर का टाइम मैनेजमेंट कैसे है। सर टाइम मैनेजमेंट ऐसा नहीं था, शुरू में तो बिल्कुल भी नहीं था, मतलब मुझे जो कंप्लीट करना होता था मैं वो कंप्लीट करती थी। ऐसा नहीं था कि मैं रोज का, आज मुझे फिजिक्स भी करनी है, केमिस्ट्री भी करनी है, बायो भी, बट जो लास्ट के मतलब 5-6 मंथ से उसमें मेरा शेड्यूल अपने आप बन गया था कि मैं रोज फिजिक्स के इतने चैप्टर्स कर लूंगी, बायो का इतना कर लूंगी, केमिस्ट्री का इतना। एक चीज आपसे और जानना चाहूंगा कि आपका मोस्ट फेवरेट सब्जेक्ट कौन सा था? सर मुझे फिजिक्स में और फिजिकल केमिस्ट्री में ज्यादा मजा आता है। ये कोचिंग का स्टडी मटेरियल कितना यूज आया, उसके अलावा भी आपने क्या प्रैक्टिस किया? आपका भी हो गया ना? सर कोचिंग का जो स्टडी मटेरियल है वो सफिशिएंट है, मतलब आपको नीट करना है तो फिर उससे ज्यादा बाहर जाने की जरूरत नहीं है, बट अगर मैं वो पढ़ पढ़ के बोर हो जाती थी ऐसा कुछ, मतलब मैं अपने एंजॉयमेंट के लिए पढ़ती थी, वो जरूरी नहीं है। सिर्फ जो नीट का मतलब जो आपकी कोचिंग आपको स्टडी मटेरियल दे रही है, क्लास में पढ़ा रहे और एनसीईआरटी सफिशिएंट मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, जिस चीज के लिए मैंने इतने एफर्ट्स किए थे, मेरे आसपास सब लोगों ने इतना कुछ किया था मेरे लिए, फाइनली लग रहा है मैंने उनके लिए कुछ किया। हरियाणा से आके राजस्थान में आए आप, यहाँ आके आपने 2 साल बिताए हैं, किस तरह का अनुभव रहा होगा यहाँ का पढ़ाई का माहौल? यहाँ का माहौल काफी अच्छा है, मतलब अगर कोई अच्छा करना चाहता है तो अपॉर्चुनिटीज मिलती है, बच्चे अगर क्लास के साथ तो ऐसा 5-6 घंटे ऐसा मैनेज हो पाता है, तो आप अपना कंसिस्टेंट रहो और फिर इसके बाद आपको ऐसा नहीं करना पड़ेगा कि मैं अब लास्ट में आकर मेरा ये भी रह गया वो भी रह गया, लास्ट में आपको खुद के अंदर एक सेटिस्फेक्शन आएगी कि मैंने अपना अच्छा किया और मेरा सब कुछ कवर हो गया। ये कभी सोचा था आपने गोल कब सोचा था या मेरे को ये टॉप करना है, रैंक लाना है? सर रैंक का नहीं सोचा था, बट मैंने ऐसा सोचा था कि एम्स दिल्ली अच्छा प्लेटफॉर्म है तो मुझे वो मतलब वो मिलना चाहिए, उसके लिए मैंने अपना एफर्ट दिया, ऐसा रैंक का तो नहीं सोचा था। सोसाइटी को क्या देना चाहेंगे डॉक्टर बन के आप? सर सोसाइटी को मतलब मैं अपनी जो एक वर्क लाइफ होती है, मतलब आप पैसे के लिए जो करते हो काम, उसके साथ मैं एनजीओ जैसा कुछ भी खोलना चाहती हूँ ताकि जो लोग बस इतने पैसे नहीं होते तो फिर उनको थोड़ा मतलब मेरी तरफ से जितना सपोर्ट अगर मैं कर सकूंगी उतना मैं करूंगी। सर इसका रिजल्ट आने के बाद क्या प्लान, क्या प्लानिंग की है रिजल्ट आने के बाद? स्पेशलाइजेशन किसमें होगा आपका? सर स्पेशलाइजेशन मतलब ऐसा डिसाइड तो नहीं किया, बट मतलब मेरे पास 3 ऑप्शन है, या तो कार्डियो में या न्यूरो में या ऑन्को में, इन तीनों में जहां मुझे ज्यादा इंटरेस्ट आएगा मैं वो करूंगी। हरियाणा की खास पंचायतों के लिए क्या कहेंगे आप? काफी ज्यादा नेगेटिव थिंक रहती है पंचायतों की बेटियों को लेकर। सर मतलब ऐसा है कि अगर आप किसी को चांसेस नहीं दोगे अच्छा करने का तो वो बंदा अच्छा नहीं कर पाएगा, मतलब अगर आप अपने बेटा बेटी में फर्क है, बस जेंडर का ही तो फर्क है ना, तो वो भी आपका ही बच्चा है, वो भी आपका ही बच्चा है, तो आप उनको दोनों को इक्वली, मतलब मेरे पेरेंट्स ने जो किया, मैं यही चाहती हूँ कि आप अगर अपने बेटों को चांसेस दे सकते हो तो बेटियों को। सर अभी एलएन कैरियर इंस्टीट्यूट के छात्र सर एक टॉप की है, सर आप कितना खुशी मना रहे हैं? यार ये तो ऐतिहासिक दिन है, उत्सव का दिन है, और इतने सालों के बाद ऐसी बड़ी महाखुशी मिली है कि सालों के बाद कोई ऑल इंडिया टॉपर गर्ल है, बैठी है। और निश्चित बात यह कि आज इसके सबसे बड़ी बात क्या है कि अगर बात कर रहे हो कोई और तरह का शौक नहीं, केवल पढ़ाई, कहीं भी कोई बात हल्की से भी लगती है सिंपल सा एक मोबाइल जिससे पेरेंट्स से बात कर लेना, या कोई खास कलीग हो कोई दोस्त उससे बात कर लेना, बाकी कहीं टाइम के लिए एक्टिविटी नहीं। और प्रॉपर हर दिन जो टेस्ट होता था, मतलब कह दीजिए संडे के हिसाब से, उसमें जब तक सारी गलतियां नहीं मालूम पड़ जाए और जो दिक्कत आई सपोर्ट नहीं मिल जाए तब तक रात को सोना ही नहीं, उसके बाद ही बोले आप अगले दिन पढ़ाई चालू होगी, हम तैयार हैं।